सीहोर जिले के आष्टा में 5 लाख की फिरौती के लिए 5 वर्षीय मासूम बच्चे प्रवेश मेवाड़ा को अज्ञात लोग अगवा कर ले गए थे, जिसे सीहोर पुलिस की सक्रियता और तत्परता से बच्चे को महज 4 घंटे में ही अपहरणकर्ताओं से पकड़ कर बरामद कर लिया था। पूरे मामले का खुलासा सीहोर SP SS चौहान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव ने आष्टा थाने में प्रेस वार्ता कर किया। SP SS चौहान ने बताया कि इस मामले में पुलिस को इछावर के पास संदिग्ध कार खड़ी मिली, जिसकी तलाशी की गई, जिसमें उक्त अपहरण बच्चा बरामद और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गतिविधि से और जो घटना में सफलता मिली है उसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया के बंधुओं का भी रहा, जो सकारात्मक रूप से तुरंत उसको उठाया था। घटना यह है कि 17 तारीख को स्थानीय खली व्यापारी अजब सिंह के 5 वर्षीय बेटे को 2 व्यक्ति खेलते खेलते उठा करके अपनी मोटरसाइकिल बीच में उठा कर ले गए थे। घटना लगभग 1 घंटे बाद पुलिस के संज्ञान में आई और पुलिस के साथ साथ मीडिया के संज्ञान में भी आई, तो मीडिया ने लगातार उसका जो फोटो बच्चे का प्रसारित किया। और क्योंकि मैं उस समय शासकीय कार्य से जिले से बाहर था, तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल थाना आष्टा में आमद की गई और यहाँ पर आकर के पूरी कमान अपने हाथ में लेकर के 5 टीमें बनाई, जिसमें 5 थाना प्रभारी लगाए गए। SDOP साहब मोहन सारवान, थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रियदर्शन स्वयं लग गए काम में। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान तथ्य हाथ लगा कि जो आरोपी है संभवतः इछावर थाना क्षेत्र में कहीं छिपे हुए हैं। उसके आधार पर थाना प्रभारी इछावर की टीम को रवाना किया गया। ब्रिजेश नगर रोड पर एक संदिग्ध 800 वाहन स्टार्ट खड़ा पाया गया। जब थाना प्रभारी इछावर की टीम उसके पास पहुंची तो उसमें से 2 लोग कूद करके भागे। इस पर बचे हुए एक आदमी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। वाहन की तलाशी लेने पर पिछली सीट पर कंबल और शॉल के नीचे एक छोटे बच्चा प्राप्त हुआ, जिसका मुंह बंधा हुआ था। और जब उसकी पहचान की गई तो वो अजब सिंह का बच्चा था। इस प्रकार लगभग 3.5-4 घंटे में ही पुलिस की सक्रियता, वैज्ञानिक विश्लेषण, विवेचना और सभी मीडिया बंधुओं के सहयोग से एक अपहृत बालक को सकुशल वापस प्राप्त किया गया। आष्टा से EMS TV के लिए दिनेश कुमार पवार की रिपोर्ट।